गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। चाहे आज हो, कल हो या परसों हो, एवरी डे अगर आपको मैं मॉर्निंग ड्रिंक में कुछ पीते हुए दिख रही हूँ आजकल, तो वो है गर्म पानी के साथ नींबू। इसकी वजह से ना बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, बहुत अच्छे से ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, और मुझे भी ना अभी हैबिट हो गई है इसे एवरी डे पीने की, तो मुझे अच्छा लगता है। इसके बिना ना मेरी शुरुआत सुबह की बिल्कुल नहीं होती। उसी के साथ ना मैंने काफ़ी सारी चेंजेस अपने लाइफ में किए हैं छोटे मोटे, तो वो सारी एक्टिविटीज़ ना आज इस ब्लॉग में तो मैं आपको दिखाऊंगी, एज वेल एज क्या क्या इस ब्लॉग में और होने वाला है वो आप देखने ही वाले हो। सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, पेटियां ही बोलते ना। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अच्छा, मेरी सोसाइटी में ना फाइनली जिम स्टार्ट हो चुका है। कोविड रिस्ट्रिक्शन सारी अब खत्म हो चुकी है, तो फाइनली मेरी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि अब हम जिम स्टार्ट करके रहेंगे, और मैंने जाना भी स्टार्ट कर दिया है जिससे मैं हेल्दी रहूँ, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने ना ब्रीजी टू वेट टॉप ऑर्डर कर लिया था अपने लिए। सो यहाँ पर ये जो टॉप आप देख रहे हैं ना, ये वही है ब्लिस क्लब का ब्रीजी टू वे टॉप, और इसके साथ ना मैंने द अल्टीमेट साइकिलिंग शॉर्ट्स पहना है जो कि है अगेन ब्लिस क्लब का ही। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर मैं इस टॉप के बारे में सबसे पहले बता दूं, आपको पता है ना कि जिम में बहुत पसीना आता है, पर ब्रीजी टू वे टॉप जो कि बना है ब्रेजलो फैब्रिक से, जिसकी वजह से ना इसमें स्वेट विकिंग प्रॉपर्टी है, और टॉप को ये सुपर सॉफ्ट एंड लाइट वेट बनाता है, और इसीलिए पर्सनली मुझे इसे जिम में पहनकर जाना ना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये ओवरसाइज है और रिलैक्स फील देता है, तो फिर चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर जिम का सेशन हो मेरे वर्कआउट के लिए, मैं हर जगह इसे पहनना बहुत पसंद करती हूँ फॉर अ कम्फी वर्कआउट सेशन। इसमें ना कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, मुझे ये वाला कलर बड़ा पसंद आया था, ये कलर है गार्गी ग्रेप। एंड गाइस, इसके साथ जो मैंने द अल्टीमेट साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनी है बाय ब्लिस क्लब, ये भी मेरे वर्कआउट के लिए ना परफेक्ट चॉइस बन जाता है, चाहे मुझे साइकिलिंग करना हो, स्विमिंग करना हो या फिर मेरा वर्कआउट जिम में ख़त्म करना हो। हर तरह के एक्टिविटी के लिए ये एक्टिव वेयर बेस्ट टू वेयर है। इस साइकिलिंग शॉर्ट्स में ना 3 पॉकेट्स मिल जाते हैं, तो वर्कआउट करते समय, साइकिलिंग करते समय भी मोबाइल को अच्छे से मैं इन पॉकेट्स में रख पाती हूँ, और कुछ मुझे पैसे वगैरह कैरी करने हो ना तो भी आसानी से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, ये जो अल्टीमेट साइकिलिंग शॉर्ट्स है ना, इसकी वजह से साइकिलिंग करना तो आसान हो ही जाता है, कहीं से भी मुझे ये खींचता नहीं है या अनकंफर्टेबल फील नहीं देता। एट द सेम टाइम मैं इसे स्विमिंग के लिए भी पहनकर जाती हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम ना काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है टू वेयर इन पब्लिक, बट ये साइकिलिंग शॉर्ट के साथ मैं क्या करती हूँ, कोई एक नायलॉन का टी शर्ट पहन लेती हूँ एंड स्विमिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुपर कंफर्टेबल है टू वेयर एंड पब्लिक में भी काफ़ी कूल लगता है, मतलब लुक्स कूल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्विमिंग एज वेल। बेसिकली दिस शॉर्ट इज सुपर कंफर्टेबल फॉर डेली वेयर एज वेल, एंड साइकिलिंग के लिए तो मैं पहनती हूँ, और मैंने बता दिया इसमें 3 पॉकेट है। उसी के साथ ये सुपर हाई वेस्ट है, इसकी वजह से ना ये काफ़ी कंफर्टेबल तो फील होता ही है, कवर करता है मेरे टमी के बल्जेस को इन जस्ट लाइक सेकेंड्स में, और फिर क्या, मेरा टमी काफ़ी, मतलब समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, फ्लैट लगने लगता है। एंड लास्ट बट नॉट इन लेस, डैट इज इट्स अबोव नी लेंथ, सो मोर कंफर्टेबल टू वेयर, ओके। एंड गाइस, कहीं अगर आपको मुझे देखकर लग रहा है कि यार हमें भी ब्लिस क्लब की द ब्रीज टू वे टॉप चाहिए, और ऑफकोर्स द अल्टीमेट साइकिलिंग शॉर्ट्स भी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हो, बट यूज़ करिएगा मेरा कूपन कोड जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, किरण 10, ओके, यूज़ करिएगा इससे, सो आपके परचेज पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी आप देख चुके हैं कि मैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ, एंड ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं जो पहन रही हूँ वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, जो कि मुझे अलाउ करता है खुल कर अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करने में, मतलब एक्टिविटीज़ पूरा करने में। सो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप जो पहन रहे हो ना, वो एक्टिव वेयर, वो चीज़ें अगर आपको कंफर्ट दे रही है ना, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, डोंट वरी। फिर वो चाहे स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर कोई ऐसा वर्कआउट जो जिम में बैठकर घंटों घंटों आपको पसीने बहाने पर मजबूर करते। ओके गाइस, तो एक प्रॉब्लम हो गई है, कल जो मैंने पूरा दिन आपके लिए व्लॉग बनाया था ना, समहाउ उसके ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं वो ब्लॉग आपके साथ शेयर बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी मैं आपको रफली बता दूं कि कल संडे था, हुआ क्या था।
तो कल हम लोग एक नई सब्जी की जो शॉप है उसे शॉप नहीं मार्केट उसे एक्सप्लोर करने गए थे। मेरे घर के पास ना मटियारी है, वहाँ पर ना मैंने काफ़ी सुना था उस सब्जी मार्केट के बारे में। और वहाँ पर मैं पहुँची, बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मैं वहाँ पर पहुँची थी। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद जो दाम मुझे वहाँ के सब्जी वालों भैया ने सब्जियों के बताया ना, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे एरिया की सब्जियाँ ना ज़्यादा सस्ती है। पर हाँ, मैंने थोड़ी बहुत वहाँ से सब्जियाँ फिर भी ख़रीद ली, और जो जो मुझे सही लगा वो मैंने ख़रीदा। और फिर आते समय वहाँ पर, मतलब मेरे घर के पास में ही एक लोकल फूड की शॉप है जहाँ पर ना बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते, तो वो हम लोग लेकर आए थे। और वो जो छोले भटूरे थे लंच में हमने खाए, बड़े टेस्टी थे, बड़े यम थे, मतलब खाकर मज़ा ही आ गया था। फिर दोपहर में तो भाई इतने छोले भटूरे खाने के बाद कौन मतलब बिना सोए रह सकता था। सोए और उठने के बाद सबसे पहले तो मैं जिम भागी, वहाँ पर ट्रेडमिल पर खूब सारा भागी और बाकी एक्सरसाइज भी की। उसी के बाद हम पूरे परराज ने, मैंने और अनिका ने, हम तीनों ने मस्त एकदम मतलब स्विम वगैरह किया। स्विमिंग करने के बाद, घर पर आने के बाद, नहा धोने के बाद हमने एक बहुत ही अच्छा मतलब एक पूरी बहुत सारी सब्जियां डालकर ना, ब्राउन राइस के साथ, एक नमक और ब्राउन राइस और सब्जियां डालकर एक ऐसा कुछ तो बनाया था जो बहुत टेस्टी था। मतलब उसमें कोई और स्पाइसेस नहीं डाली थी, मिर्च भी नहीं डाली थी, बहुत अच्छा बना था। और फिर उसे खाकर बड़ा इन्जॉय किया। फिर रात में वही अपना बादाम भिगोने का रूटीन वगैरह सब कुछ। और सुबह उठने के बाद भी थोड़ा बहुत मतलब मैंने अपना जो भी ड्रिंक था, मॉर्निंग ड्रिंक वो वगैरह पिया। और फिर कबूतर ने वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान कर दिया था। ये सारी चीज़ें कल मैंने आप सभी के लिए शूट की थी, प्लस मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए लाइव कॉन्सर्ट भी किया था, थोड़ा सा वो देख लीजिए। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ पर एक मार्केट है वहाँ पर। क्यों जा रही हूँ चलिए रास्ते में बताऊँगी, बट थोड़ा सा मेरा लाइव कॉन्सर्ट को भी इन्जॉय कर लीजिए। आई नो थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ऊपर नीचे रहेगी, बट चलिए कर लीजिए इन्जॉय। हमने बीत के हर एक दम को गले से लगाया है ना, जिंदगी हमने दो बूंदों से लगन कर लिया। तो आज व्लॉग होगा आईफोन 7 प्लस से। ये आईफोन 7 प्लस मैंने 5 साल पहले लिया था, अभी भी इतना अच्छा चलता है कि मैंने इसे चेंज नहीं किया है। क्या बोलती हो, चेंज कर लूँ? हाँ। मैं भी सोच रही हूँ कि इस साल चेंज कर लेती हूँ। आईफोन 14 लूंगी यार, 15 ना, मतलब अगले साल लूँ। देखो ये बच्चे तो मुझे लेने ही नहीं देंगे। शाम 6 बजे ना मौसम बढ़िया हो जाता है, आजकल अंधेरा जल्दी होने लग गया है। उसने बोला था नीचे रहो, वो ऑफिस गए थे तो आते समय शायद वो मुझे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने बोला था कि नीचे रहो। एक प्लेट पानी पूरी खाने के बाद, मतलब पानी पूरी तो बहुत अच्छी होती है, इसकी 10 रुपए में 4 ही गिलाता है। तो पानी पूरी खाने के बाद तमिलनाडु डोसा, यहाँ पर एक सेंटर है वहाँ पर हम गए थे। मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बताया था, और जिसने भी ये बताया था प्लीज़ फिर से एक बार नीचे कॉमेंट करना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग सच ए लवली प्लेस। इतना अच्छा डोसा था कि मैं क्या बताऊँ, आई नेवर हैड, मतलब इतना सस्ता और इतना अच्छा, बहुत अच्छा डोसा था। मैंने बटर डोसा लिया था जो सुपर टेस्टी था। और मुझे उसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर जाओ ना तो यादव दूध डेयरी से क्या बोला था, लस्सी पीने के लिए। और इसके ऊपर बहुत सारी मलाई भी है, बहुत थिक और बहुत सारी नाइस। वो भी है, गोल भी है, देखिए दोनों चीज खेलेंगे। कितने का? ये भी, वो भी है, दोनों चीज होता है इसके अंदर। नहीं एक बहुत है, एक ही चाहिए। नहीं ये नहीं चाहिए, होता है ये सब पूरा एक होता है, ये 10 नहीं होते, एक। अच्छा इसके पीछे है वो, कितना? 30 का दे दो। बहुत बढ़िया, नहीं वेरी नाइस, वेरी नाइस। कपड़ों को मैं लगा देती हूँ, प्रेस होकर आ गए हैं सारे मेरे हैं, अनिका के तो लगा दिए, और अनिका का बलून फूट गया यहाँ पर, तो बेचारी परेशान हो गई है। तो फाइनली सारे जो प्रेस होकर कपड़े आए थे उन्हें अच्छे से लगा दिया है। पिछले 20 दिनों से कपड़े अपने जगह पर है, बिल्कुल भी हिले नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ मतलब हो रही है। आपको पता है ना 20 दिनों पहले ही मैंने इन्हें अच्छे से अरेंज किया है।
यहाँ पर भी सारे कपड़े सही से हैं और यही जो कपड़े ना जो मैं वर्कआउट के लिए पहनती हूँ थोड़े यही हील जा रहे हैं। सोने से पहले बादाम भिगो दूँ। कम हो गया, यहाँ की लाइट आ गई यहाँ पर। चलो बंद कर देते हैं। गुड नाइट गाइस, कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह सुबह ही मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर रही थी कि आज मुझे बहुत अच्छी जगह जाना है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। अभी बताती नहीं हूँ, आपके साथ व्लॉग के थ्रू शेयर कर ही दूँगी सारी चीज़ें। ओके, तो सुबह सुबह अपना ये हॉट वाटर लेमन के साथ, और मैं तो छिलका भी इसका इसी में डाल देती हूँ। मुझे लग रहा है आज तो विमलानी से निचोड़ा ही नहीं क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी थी। मुझे ऐसा लग रहा है, उसे देखकर लग रहा है क्योंकि नींबू का रस बिल्कुल एकदम निचोड़ा हुआ नहीं लग रहा है। मैं निचोड़ कर डालती हूँ, उसने सीधा डाल दिया, ऐसा भी होता है। सो बस अभी थोड़ा सा चेंजेस करना था कुछ वीडियो में, वो सब किए हैं। और मेरा जो छोटा कैमरा है कैनन का, वो ख़राब हो गया है, तो मुझे अभी एक नया, ख़राब नहीं हुआ है वो अच्छे से चल रहा है, उसके साउंड में उसके ऑडियो में कुछ तो दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है मुझे नहीं पता है, तो या तो मैं उसे सर्विस सेंटर में दिखा दूँ, पर वो भी मेरा कैमरा 4 साल पुराना है, ये मेरा मोबाइल 5 साल पुराना है। और मैं ना चीज़ों को इतना जल्दी ना छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जो चीज़ें मेरे साथ इतने दिनों से है, मतलब आईफोन 14 में अपग्रेड करने का पूरा मैं मन बना रही हूँ, पर अभी भी मेरा ये फ़ोन इतना अच्छा चलता है, इतना स्मूथ चलता है, जैसे फर्स्ट डे चलता था वैसा ही आज भी चलता है। मतलब 5 साल इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या करूँ, पर अपग्रेड कर लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी थोड़ा सा तो मतलब वीडियो की वो हो रही है, तो मुझे ऑफकोर्स अपग्रेड करना पड़ेगा। राज ने तो खैर पिछले साल ही अपग्रेड करवा लिया था अपना, उनका आईफोन 6 था, तो उन्होंने भी 5 साल आई थिंक यूज़ किया, फिर पिछले साल अपना अपग्रेड करवा लिया था, पर इस साल मैं अपना करवाने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ना मुझे अटैचमेंट हो जाती है यार चीज़ों से, तो ना मेरा मन नहीं होता। अब इस मोबाइल से मुझे इतनी अटैचमेंट है कि मुझे नहीं लग रहा है कि नया मोबाइल मुझे अपनाने में अच्छा लगेगा। इनफैक्ट कैमरा के साथ भी मेरे ऐसे ही है, तो ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ कि मैं जिन चीज़ों को थोड़ा भी इस्तेमाल कर लो ना, फिर मुझे बहुत अटैचमेंट हो जाती है, और उस अटैचमेंट के चक्कर में मैं उन्हें छोड़ नहीं पाती। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ यार, रिलेटेबल है तो बताओ, क्योंकि मुझे फिर अच्छा लगता है कि हाँ सिर्फ मैं ऐसी नहीं हूँ, सब ऐसे है, ऐसा वाला फील आता है। पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, परफेक्ट है। पर इस मैडम ने नींबू नहीं निचोड़ा, आज इसको बोला विमला को कि आज तू मेरे को गर्म पानी दे दे, मैं थोड़ा काम जल्दी ख़त्म कर लूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता गाइस, इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें। सबको लगता है कि यार इनके पास हाउस हेल्पर है तो सारे काम तो ऐसे स्मूथली हो जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको इंटरफेयर करना पड़ता है, वरना फिर आपको ऐसा बिना नींबू निचोड़ा हुआ पानी मिल जाता है। चलिए फिर मिलती अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me from a